ये तू मेरी आंखों में है पूरी जचती, और तेरे आगे मेरी नहीं एक चलती। ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, होप अच्छे हो गए। मैं बहुत अच्छा हूँ सब की तरह। तो कैसे हो गैंगस्टर परिवार भाई, ठंड बहुत ज्यादा हो गई, सब अपने अपने गुदड़ों में घुस के रहो। गुदड़ों का मतलब ये होता है कि सब अपने अपने कंबल में रहो। तो आज के थंबनेल और टाइटल ये वाली लाइन की मैं बोल रहा हूँ, हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे और ट्राई करेंगे कि हर चीज़ एक बिल्कुल नेचुरली वे में हो और एक अच्छे तरीके से हो। तो आज का ब्लॉग क्या होने वाला है बताओ। देखो आपको आगे देखने को मिलेगा, पूरी वीडियो देखना, आज फुल कॉमेडी करने वाले हैं। आज फुल तगड़ा प्रैंक होगा श्वाना के साथ एयरपोर्ट पे। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, फिलहाल मैंने एक बोतल ऑर्डर की है पानी की, वो जैसी आएगी ना मेरे को यहाँ निशान बनाने हैं, यहाँ पे। तुम समझ रहे हो ना कि क्या चैलेंज होने वाला है, क्या प्रैंक है। तो मैं कुछ निशान बनाऊंगा यहाँ पे, और जब श्वेता के पास चलेंगे तो देखते हैं उनके रिएक्शन क्या होंगे, अगर वो नोटिस करते हैं नहीं करते हैं। बाकी मैं ट्राई इतना करूंगा कि यार ठंड ज्यादा है तो मैं फिर भी शर्ट पहन के जा रहा हूँ भाई, देखेंगे कि वो नोटिस करते हैं नहीं करते। ट्राई करूंगा जितना हो सके ना ऐसे ऐसे शर्ट को करूँ ताकि वो नोटिस करें, और उनके जो भी रिएक्शन होंगे वो पूरा वीडियो तुम्हें दिखाऊंगा। तो फुल इन्जॉय करो। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, तुम्हारे सामने शैंडो पहन के या ये बनियान पहन के घूमने का मेन रीज़न ये है ताकि मैं दिखा पाऊँ भाई ऐसा कुछ निशान निशान है नहीं मेरे बॉडी पे। कभी तुम बोलो कि यार भाई सच में कहीं से बनवा के आ गया और चल रहा है, तो इतना नेगेटिव मत सोचना। ये मैं खुद बनाऊंगा। मैं कैसे बनाऊंगा तो देखो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेंगे, चाहे मैं ऐसे ऐसे करके बनाऊँ, चाहे मैं बोतल से बनाऊँ, अरे हाँ ऐसे ही बन जाएगा। और थोड़ा सा उसको लाइट सा मेकअप कर ले जाएंगे और देखते हैं, फुल फन करेंगे। कोई मैंने तो मजाक मजाक भी रगड़ दिया, तो सच में ऐसा निशान बन गया यार। तो मतलब मैं ऐसे ऐसे करूं तो बन जाएगा, मतलब बोतल से बनाते हैं। चलो बोतल से मैंने सीखा, वो बचपन में नहीं होता जैसे करके बना देते थे, ऐसे बनाते हैं। मैं YouTube पे सर्च करता घूम रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं कैसे बनाते हैं। लव बाइट हिक्की चे, ओए ये बन रहे हैं भाई, ये लिटरली थोड़े थोड़े ना, ये थोड़ा सा यार दर्द हो रहा है यार, ऐसे थोड़ी बनते हैं। वो बोतल आएगी ना उसको ऐसे चिपका चिपका के हवा से, तो तब बना के दिखाता हूँ। जैसे भाई तुम्हारे भाई ने देखो क्या कर दिया ये, और इसका यूज करते हैं थोड़ा सा, ये लेते हैं। ऐसा लग रहा है सच में कुछ, कितना क्रिएटिव हूँ भाई मैं, क्रिएटिविटी है क्या ये, पिटने का लेवल का क्रिएटिविटी है। मतलब आदमी अपने पिटने की तैयारी खुद ही कर रहा है, देख लिया तुमने। थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि हाँ मर्ज भी हुआ था। डन, फुल डन। अब चलते हैं कपड़े वपड़े पहनते हैं। वो शर्ट पहनी थी ना उसमें दिख रहा था सब कुछ, तो मैंने क्या किया ना, मैंने चेंज कर लिया और अब मैंने पहना है कुछ ऐसा। वो देखो तुम्हें शीशे में दिख रहा होगा पीछे, वो इसलिए पहना है ताकि चीज़ें दिखे कम और एक दो ही चीज़ें दिख पाएं, और ताकि वो नोटिस करे फिर ऐसे करे ये क्या है, तभी तो प्रैंक अच्छा बनेगा। और शर्ट में दिखाई दिया पता चली गया तो फिर उनको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ ये प्रैंक करने आया है। मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था, पूजा करके उन लड़की का नाम है जिन्होंने ये कमेंट दिया था कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो ऐसे बंदों से, ऐसे मेंबर फैमिली मेंबर से और ऐसे रिलेशन से दूर रहे, सतर्क रहें, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये चीजें अपने माइंड में रखें ना, फालतू चीजों पर ध्यान देते हो कि ये है वो है, ये बुरा मान जाएगा वो, भाई जिसको बुरा मानना होगा आज भी बुरा मानेगा, वो कल भी मानेगा, वो परसों भी मानेगा। और अगर हर चीज को देखकर हम ये जिएंगे ना कि आज ये ऐसे है आज वो ऐसे है, सबकी खुशी हम नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। बड़े बूढ़े इसलिए ये कहते थे कि हर किसी बंदे को आप खुश नहीं कर सकते, अपने आप की खुशियां पहले देखो। हाँ ये मैं नहीं कह रहा कि तुम ग्रीडी हो जाओ, सब कुछ अपने लिए ही करो। हाँ पर अच्छा नहीं कर रहे ना तो किसी के लिए बुरा भी मत करो, अपने लिए करो, मस्त रहो, चिल रहो। और फिलहाल चलते हैं, चलो एयरपोर्ट में। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, पूजा जी ये चीज़ आप भी देखना है, शायद अगर आपने इतनी बड़ी बात बोली है तो शायद कुछ एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा अपनी लाइफ में, या वो बहुतों ने ये एक्सपीरियंस किया है। जो इस टाइप के होते हैं ना उनको शर्म भी नहीं आती है, वो फुल बेशरम की लेवल अप टू अप रहते हैं। फालतू की बातों से आते हैं बाहर और अपनी लाइफ को करते हैं चिल, और चलते हैं फिलहाल शोना को पिक करने के लिए और अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। आगे इस प्रैंक को जबरदस्त बना देंगे। चलो सो गाइस निकल गए भाई अपने ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करने के लिए और शोना को पिक करने के लिए, उनको पिक करेंगे। अभी तो टाइम है, अभी दो मिनट पहले ही बात हुई है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे तो उनकी फ्लाइट उतर गई है, पर वो उतर के अभी बाहर आने जाने में है ना एक डेढ़ घंटा लग जाता है लगेज आने में और वो फॉर्म फिल करने में वीज़ा का। तो ये कर आगे जब तक तो वो बाहर आएंगे तो डेढ़ दो घंटे लग जाएंगे,
और तब तक हम अपना कॉफी वॉफी पियेंगे, आगे अपनी प्रैंक की तैयारी करेंगे। बस ये सोच रहा हूँ कि जो प्रैंक मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे माइंड में वो चीजें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। कैमरा वैमरा मैं अच्छे से सेट कर दूंगा गाड़ी के अंदर, यहाँ कोने वोने में, ताकि उनको चीजें नोटिस ना हो। और कभी बार कैमरे को उल्टा कर दूंगा, ताकि उनको ये लगे कि नॉर्मल फोन वैसे ही लगा रखा, गाने चल रहे हैं, गाने तो मैं चला ही दूंगा। तो अब देखते हैं कि उनके रिएक्शंस क्या होंगे और क्या उनके एक्शंस होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और फुल एंजॉय करना। पहले जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो लाइक पे बटन पे क्लिक कर दो फटाफट जाके। भाई बड़ो यार तुम मेरे, जाके क्लिक करो फटाफट, सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन पहुंचाने नहीं पहुंचाने तुम्हें, इतने टाइम से मैं कह रहा हूँ। भाई सोना को अभी आने में टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच। आपसे एक भाई के लेवल पे एक चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो उसके साथ प्रैंक कर रहा हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे गर्दन में बना रखा, तुम्हें ओरिजिनल लग रहा है नकली लग रहा है? ओरिजिनल लग रहा है ना ये मेरे भाई, बिल्कुल। थैंक यू कंफर्मेशन देने के लिए। भाई मैं आ तो गया एयरपोर्ट, आजकल इतने सारे बंदे आ रहे हैं बाहर से और इतने सारे बंदे जा रहे हैं बाहर, क्या ही हो रहा है समझ नहीं आ रहा। लाखों बंदे आते हैं, लाखों बंदे जाते हैं, हम क्यों नहीं जा रहे, तुम क्यों नहीं जा रहे? हाँ दुबई वालों आते ही क्या भूखे आए हो? बिल्कुल यहीं से खाया था। हाँ यहीं से तो लिया मैंने, बाहर से, यहाँ महंगा होगा। दुबई से आके गए, थोड़े दिन ऐसे ही लगता है महंगा सस्ता। ये तो बहुत यूनिक भी है खाना देने का। थैंक यू यार, ये टिफिन ले जाऊँ क्या घर पे? और जनाब का ट्रिप कैसा गया? ठीक था। मजा आया? मतलब अकेले कुछ इस बार ज्यादा घूमे नहीं, वही था कि काम और बस। घर ठीक है? घर वर्द कर लिया ना आपने बिल्कुल सब कुछ सेट? क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही आपकी बात। यार पता नहीं गर्मी कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही है? मुझे तो वहाँ तो गर्मी थी, यहाँ तो ठंडा। नहीं यहाँ भी थोड़ी गर्मी। मैंने पर वहीं से ऐसा टॉप पहना था ताकि ये बांध लिया था, पर हाँ ठंड है इधर। नहीं ठंड नहीं, गर्मी लग रही है। तो क्यों पहन के आए फिर? वहाँ भी 3 दिन से बारिश थी ना, उधर बहुत तेज, यहाँ भी 4-5 दिन से हो रही है। तो उधर बहुत अच्छा वेदर हो गया था, अब अच्छा हुआ था तो अब एकदम से वो हो गया। और आज की एक प्रमोशन भी मिली हुई थी, दिखाई थी ना आपको, मुझे उसका दुख हुआ। पता नहीं कोई नहीं, वो तो फिर आ जाएगी। नहीं वो एक बहुत अच्छा ब्रांड का शूट था और ऐसे थोड़ी एक वो साल में एक बार होता है, और उसमें मैं चूज हो गई थी, मैंने काजल को ही भेजा था। अच्छा बहुत अमाउंट का भी लॉस हुआ, फिर मेरे को हुआ या तो अमाउंट दे या टिकट्स दे, बात एक ही। एक तो नहीं थी टिकट्स, तो बहुत सस्ती थी, टिकट तो सस्ती थी, कर सकते थे। फिर वो ये था कि किस्मत तो वही नहीं होगा, इसीलिए ऐसे डेट पे आई मैंने देखा। पर तब यहाँ से गई थी तो यहाँ की थी, वहाँ से आ रही थी तो वहाँ की थी, सोचा है ना ऐसे होता है, वो तो अप डाउन तो चीजें चलती रहती है, तो आते ही चलती है मेरी तो, यहाँ आएगी वहाँ जाएगी वहाँ आएगी यहाँ जाएगी, ज़्यादा ही चल रही थी। AC बंद कर देता हूँ इसलिए आपको, अभी तो आपको गर्मी लग रही थी। हाँ मतलब अब ज़्यादा हो गया, आपका दिमाग सा चल गया मुझे लग रहा है ना। अभी आ गया था गर्मी, अब नहीं ठीक है, बढ़िया मौसम चला दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। मुझे वो कराना है एंटी डैंड्रफ स्क्वा, वहाँ पे मैंने खुद हेयर वॉश करे हैं जितने दिन भी रही। कल करा लेना जो कराओगे। कल ही कराऊंगी। ये रास्ता भी साला मैं भूल जाता हूँ, यहाँ से जाना है भी यहाँ से जाना है साला। हाँ मतलब रास्ता मैं भूल जाता हूँ, कहाँ से निकलना है। हाँ तो कल चले जाना आप सलून पे, फिर आपको शॉपिंग वॉपिंग भी शुरू करनी है, आप शादी आने वाली है। जीन्स पहनने चलेंगे, जीन्स पहनते यार, वो जो आप मैं पहनता हूँ ना वो मायने वाला आने वाला, वो यहाँ काटते हैं फिर दिक्कत करते हैं। मैं तो फालतू चीज़ चाहिए नहीं लाइफ में। आपके पहले ही कुछ काटा हुआ है किसी ने? हम्म, यहाँ पे क्या, यहाँ पे रेड रेड हो रहा है, पता नहीं क्या है, एलर्जी हो गई है। देखो दर्द कर रहा है। हाँ अरे नहीं और तो नहीं काटा किसी ने, और देखो एलर्जी सी हो रही है। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? और ये तो पूरी जगह हो रही है। देखा, ये क्या लगा लिया? कुछ नहीं है, कुछ लगा, कुछ लग रहा था।
मुझे लगा पता नहीं क्या है, पर मुझे लगा एलर्जी होगी। ठीक है, बढ़िया है, कुछ नहीं। चेन भी निकाल दी, दम सा घूमता है। हाँ, कुछ कलर था, कैसे लग रहा था कलर तो। क्या ये इतना रेड रेड क्या ये? पता नहीं मेरे को हो गया होगा वैसे ही। इतना तो मकड़ी मल गई आपको? पता नहीं कौन सी मकड़ी मल की गई है। देखियो एक बार गाड़ी रोक के देखो कौन सी गाड़ी है, कौन सी मकड़ी ने काट लिया। कहाँ है? अरे ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। क्या नॉर्मल है? वैसे ही बन गए होंगे निशान। चेहरा क्यों लाल हो रहा है ये? क्या है? मुझे क्या बता? ये आपका एलर्जी हो गया, चलो डॉक्टर के पास चले। ये एलर्जी हो रही है जगह जगह आपके, कुछ मकड़ी मकड़ी मल गई है शायद, ऐसा लग रहा है। जैसे वो नहीं दिखाते, मैंने देखा है वो जो ऐसे प्रैंक प्रूंग करते हैं और ऐसे गंदे गंदे लड़के होते हैं, उनको बनी होती है वो, ऐसी लग रही है। मैं तो क्या लग रही है, क्या नाम बोलते हैं उनको? अरे वो अजीब सा, वो क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। पक्का पता आपको प्रैंक हुआ? नहीं, कि जो उसमें बना बना के ऐसे दिखाते हैं ना, वो बनाते हैं। तो मैं क्यों बनाऊंगा, मेरे को क्या जरूरत है बनाने की? हां वही कह रही हूं कि मैं तो नेचुरली बन गई। बदतमीज, बदतमीज की क्या बात है, बन गई बन गई। अब ये एलर्जी हो गई, चल डॉक्टर के पास चले, चलो डॉक्टर के पास जाके जमाओ। हाँ डॉक्टर के पास जाके पता लगेगा क्या है। और डॉक्टर ने कुछ और बोल दिया तो? कि एलर्जी तो नहीं है भाई साहब, ये एयरपोर्ट यहाँ से बहुत पास है। हाँ तो डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि भाई साहब एलर्जी नहीं है, फिर पूछूंगी क्या है। सही है भाई, पूछ लेना। अजीब और गंदी चीजें समझ नहीं आती जो आप बोल रहे हो। छोड़ के आना क्या आपको एयरपोर्ट? मजाक की चीज, मजाक। मैं तो फिर भी सोच रही हूँ कुछ लग रहा है कुछ, पर ये बहुत लाल हो रहा है आपका। ये क्या कर लिया आपने? अरे क्या, क्यों, कसम की क्या बात है इसमें? ये क्या है घटिया? हाँ तो कुछ निशान है जो लगे हुए हैं, कुछ नहीं है। मम्मी के घर जाना है? मम्मी के घर जाना आपको? तो आप मम्मी के घर चले जाओ, तब तक मैं एक छोटा सा काम लौटा के आता हूँ। ठीक है ना, शाम तक आ जाऊंगा या फिर कल सुबह तक आ जाऊंगा। मुझे लेने की बात है। ये क्या इलॉजिकल सवाल पूछा आपने? हाँ जब काम था मैं काम निपटाती, मुझे भी लेने थे। अरे तो नॉर्मल निशान है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। डॉक्टर के पास चल लेते हैं, मेरे को नहीं जाना डॉक्टर के पास। क्यों जाऊँ मैं डॉक्टर के पास? मैं तो नहीं जा रहा डॉक्टर के पास। आप आते ही यही सब प्रैंक क्यों करते हो मेरे ऊपर? मैं क्यों करूँ आप पे प्रैंक? आप इतने गंदे से क्या एकदम बात करने लगते हो, मुझे तो अजीब लगता है फिर ऐसे। मुझे तो हर चीज अब आपकी प्रैंक ही लगती है। अरे मैं क्यों करूँ आपके आते ही, मैं प्रैंक क्यों करूँ और ऐसे प्रैंक क्यों करूँ? ये निशान है नॉर्मल, गिर गए होंगे आगे होंगे, कुछ नहीं होता इनसे। क्या हो गया अब आपको? ले बताओ। अरे कुछ हुआ भी तो होगा, इसमें रोने वाली कौन सी बात हो गई? उस साइड मुख कर रहे हो, मेरी साइड मुख करो। आपको क्या लग रहा है ये क्या है? क्यों क्या बता? निशान है नॉर्मल, गिर गए होंगे। हाँ ठीक है, तो मैं कुछ कह नहीं रही। गिर जाते हैं, एलर्जी हो रही है। एलर्जी हो रही है? हाँ बस, तो मैं यही तो कह रही हूँ, एलर्जी हो रही है। हाँ डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा मैं। दवाई ले लो इसकी, ठीक हो जाएगी। ना मैं दवाई लूंगा, ये अपने ठीक हो जाएगी, मुझे पता है। ठीक है, कौन सी एलर्जी है? ये कैमरा फोन तो 24 घंटे हमारा ऐसे लगा रहता है, लेकिन अभी मैंने देखा ये ऑन है। अब क्या मैंने फोन उल्टा लगाया हुआ है ताकि आप फोन की स्क्रीन ना देख पाओ। लेकिन मुझे पता लग रहा है।
था जी, चलो ये मैंने ना वो किया था लव बाइट का, पूरा मेकअप वेकअप करके कि यार एक प्रैंक करूंगा, आगे बोलोगे आप जैसे ये एक तो डम्बो मेरी लाइफ में ऐसी है, कह रही है एलर्जी हो गई, निशान पड़े, चल डॉक्टर के पास, चल इंजेक्शन लगवाऊंगी। चलो गाइस अब आज तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, हमारे फेवरेट सॉन्ग पे शोना कैसे वाइब करती है, अभी दिखाता हूँ सुनाता हूँ। इस तुम्हें कैसा लगा आज वाला प्रैंक? मतलब आज वाला प्रैंक थोड़ा बेहतरीन था, कुछ मैंने ट्राई किया कि कुछ ढंग का कुछ अलग सा यूनिक सा करूं, पर जो रिएक्शंस थे ना वो थोड़े क्या बोल सकते हैं भाई कुछ भी तो अगर ये वाला प्रैंक किसी ने वैसे ट्राई किया है, किसी ने अपने घर में नॉर्मल ट्राई किया हो कभी ट्राई करना, तो तुम्हारे साथ क्या होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि भैया हमने ये ट्राई किया तो हमारे साथ ये हुआ, क्या तुम्हें क्या फील हुआ तो वो कमेंट में जरूर बता देना। और चैनल को अब कर दो सब्सक्राइब फटाफट, बेल आइकन पर जाके कर दो क्लिक, और मेरी वीडियो को कर दो लाइक, ताकि बेल आइकन को दबाने के बाद तुम्हें ये फायदा हो जाएगा नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो आएगी ना तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, तुम्हें फायदा नहीं होगा, मुझे भी फायदा होगा, तुम्हें भी फायदा होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राम राम। जो बेहतरीन चीज पता क्या लगी तुम्हें, सच बता रहा हूँ, वो एलर्जी वाली बात, वो पता नहीं कौन सी बात आई उनके माइंड में, एलर्जी हो गई है, लो बताओ भाई।